करण जौहर ने कोविड हॉटस्पॉट बने अपने बर्थडे बैश के आरोपों पर फाइनली तोड़ी अपनी चुप्पी। आरोप लगाने वालों पर करण का निकला गुस्सा, दिया शॉकिंग रिएक्शन। वेल, क्या कहा करण ने, जाने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया फिल्मी की ये रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में रहेगा एक सवाल, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक गिफ्ट हैम्पर। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता गुप्ता और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी। वेल, बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर करण जौहर आए दिन किसी न किसी वजह से मीडिया लाइमलाइट में बने रहते हैं। फिर चाहे वो नेपोटिज्म का मुद्दा हो या फिर उनका कोई स्टेटमेंट ही क्यों ना हो, करण जौहर हमेशा ही लाइमलाइट में बने रहते हैं। अभी हाल ही में करण जौहर ने अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट किया था और इसे लेकर उन्होंने एक ग्रैंड पार्टी भी होस्ट की थी, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए थे। हालांकि जब ये सेलेब्स रिटर्न गए तो इनमें से कई सेलेब्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50 सेलेब्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, आदित्य रॉय कपूर और कैटरीना कैफ जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। इन स्टार्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद करण जौहर पर ये आरोप लगने लगे कि उनकी ही बर्थडे पार्टी की वजह से सेलेब्स में कोरोना फैला। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें काफी खरी खोटी भी सुनाई। ऐसे में अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर फाइनली अब करण जौहर ने चुप्पी तोड़ दी है और एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। दरअसल फिल्म कंपेनियन को दिए एक इंटरव्यू में करण जौहर ने कहा कि ऐसी कहानियां और मीडिया आर्टिकल्स थे जिनके मुताबिक पार्टी सुपर स्प्रेडर बन गई। अब देखिए, हम ये नहीं जानते कि ये कैसे फैला और कहाँ से फैला, लेकिन उस हफ्ते इंडस्ट्री में कई इवेंट्स थे, पार्टी थी, शादियां थी, कार्यक्रम थे, शूटिंग थी, तो मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, हर चीज की तरह ये मेरे ऊपर क्यों डाला जा रहा है। फिल्म जुग जुग जियो के प्रोड्यूसर ने आगे कहा कि मेरे कहने का मतलब है कि मुझे एक विक्टिम की तरह साउंड नहीं करना, पर मैं थोड़ा बहुत पीड़ित की तरह महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि इस पेंडेमिक से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बस ये साफ करना चाहता हूँ। मेरे साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो लोगों ने क्यों लिखा कि उन्होंने क्या किया, कितने लोगों ने इसे फैलाया, क्या ये मेरी पार्टी में हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं हमारा आज का सवाल। तो हमारा सवाल है कि करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में किस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आप इस सवाल का जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें और जीते एक गिफ्ट हैम्पर। अब बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। वेल, जिस तरह से अपने ऊपर लगे आरोपों पर करण जौहर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये बयान दिया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए फर्स्ट इंडिया फिल्मी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।